आज हम देखेंगे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसरी और एचबीटी, इसके अंदर एचबीटी विजार्ड, इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए, वेलकम टू द एचबीटी विजार्ड आपके सामने ओपन हो गया है। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। आपके जो डेस्कटॉप पर जो आइकॉन्स हैं या फिर जो भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो कितना बड़ा दिखाई दे उससे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। मैं मीडियम ले लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो देखिए, आपके सारे अकाउंट्स जो यहाँ पर ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, हो गए हैं, ठीक है। पूरे कंप्यूटर आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, ये सब देखिए बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको किस तरीके की डिफ़िकल्टी आ रही है उन ऑप्शनों को पढ़ पढ़ के उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए आप उस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं जो भी ऑप्शन लेना चाहूँ, चेंज द फंड साइज चेंज करना है कि नहीं करना है, नहीं करना चाहें तो अभी से यहाँ से चेक हटा सकते हैं, तो फंड साइज का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए, मैं चेक हटा दिया। अभी डिसेबल, इसको डिसेबल करना चाहते हैं अब इसे डिसेबल कर सकते हैं। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद, सॉरी बैक कर लेते, एक बार बैक करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ ओनली एक बार। अब आपको दिखाई दे रहा है, आई एम ब्लाइंड और आई हैव डिफिकल्टी सीइंग द ऑन स्क्रीन। आपको स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो इस पर चेक लगाएं। आपको सुनने में कोई दिक्कत हो रही है तो इस पर चेक लगाएं। आपको कीबोर्ड और माउस चेक चलाने में कोई दिक्कत हो रही है तो इस पर चेक लगाएं। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर टूल सेट करना चाहते हो तो इस पर चेक लगाएं। आपको इनमें से जिस भी प्रकार की डिफ़िकल्टी हो उस पर चेक लगाएं और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, तो उस प्रकार की डिफ़िकल्टी से संबंधित आपको सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएंगे। मान लीजिए मैं इस पर चेक लगा करके नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एच डी ऑप्शन के आपको यहाँ मिल जाएंगे ऑप्शंस। आप इन्हें छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि एच डी ऑप्शन के जो स्टिक की वगैरह फ़िल्टर की टॉगल की हम पहले ही देख चुके हैं, तो इसे हम ऐसे लीव कर देते हैं। और आप करना चाहते हो यहाँ पे चेक करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं इसे यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ। जो भी आप चेंजिंग करें हैं उन्हें आप रखना चाहते हो तो यस पर करें, और नहीं चाहते हैं तो इस पर चेक करें, चाहते हैं तो यस करें। और ये कब चालू हो, यस आई एसिडिटी सेटिंग व्हेन आई लॉग्ड ऑन एंड अप्लाई माई सेटिंग टू न्यू यूजर्स अकाउंट्स। जब भी आप लॉग इन करें न्यू यूजर अकाउंट के लिए सेटिंग है चाहते तो यस करें, नहीं चाहते तो नो कर दें, नेक्स्ट कर दें और ये फिनिश कर दें। इस प्रकार से आप एच यू डी का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं, ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, एसरी में जाते हैं, एच यू डी में जाते हैं। ये देखिए, फिर से मैं यहाँ से इसे नेक्स्ट करता हूँ, इसे ले लेता हूँ, मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक। आ गए हमारे पास ऑप्शन, ये बढ़ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर चेंज फंड साइज को मैं चेक लगा लेता हूँ। मैग्नीफायर का यूज़ करना चाहते हैं तो इसे ही चेक लगा कर रख सकते हैं। मैग्नीफायर का यूज़ हम अगली वीडियो में देखेंगे, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब मान लीजिए मुझे कीबोर्ड और माउस चलाने में दिक्कत हो रही है, जैसे इस ऑप्शन को हम देख चुके थे, अब इसे देखते हैं इसमें क्या आता है। देखिए, नेक्स्ट करता हूँ मैं। अल्टर कंट्रोल शिफ्ट दबाने में कोई दिक्कत हो रही है आपको, हाँ तो यस दबाएँ, नहीं तो नो दबाएँ, क्योंकि ये हम सब लोग पहले ही देख चुके हैं स्टिक की के अंदर, इसलिए मैं इसे नो कर देता हूँ। स्टिक की वीडियो पहले देख चुके हैं। डू यू वॉन्ट टू विंडो लोगों की रिपीट स्टॉक की हम लोग पहले से देख चुके हैं, इन्हें यस करना चाहें तो यस कर सकते हैं, नो करना चाहें मैं यस कर देता हूँ, मान लीजिए इसे यस कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो कितने टाइम बाद लॉन्ग हो या शॉर्ट हो यहाँ पर आप इसकी लिखने की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे नो कर देता हूँ क्योंकि ये भी हम आगे देख लेंगे, नेक्स्ट करता हूँ। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्कोर लॉक को आपको दबाने कोई दिक्कत हो रही है, साउंड उसका सुनना चाहते हैं यस कर दें, नहीं सुनना चाहें नो कर दें, इसे मैं नो रहने देता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा कीवर्ड हेल्प चाहिए आपको, चाहिए तो यस कर दें, नहीं चाहिए तो नो कर दें, मान लीजिए यहाँ मैं यस कर देता हूँ। जहाँ जहाँ आपको यस या नो करना है वो यस नो यहाँ पर सेटिंगों को पढ़ पढ़ के आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिस प्रकार की आपको परेशानी हो। फिर से नेक्स्ट करता हूँ। इनमें से माउस किस प्रकार का लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इस प्रकार का माउस लेना चाहता हूँ, इसे नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ से भी चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं इसे ब्लैक लेता हूँ, वाइट लेना वाइट लेना चाहिए, इन्वर्ट लेना चाहे इन्वर्ट ले सकते हैं, जैसा भी आप लेना चाहे। यहाँ से करता हूँ इसे नेक्स्ट। माउस के बटन को चेंज करना चाहते हैं लेफ्ट राइट, वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो, नेक्स्ट करता हूँ मैं। उसकी स्पीड को स्लो फास्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं यहाँ से, फिर नेक्स्ट कर देता हूँ और ये फिनिश कर देता हूँ। कहने का टोटल मतलब ये है, कंट्रोल पैनल से जो बॉस
कंट्रोल पैनल से संबंधित जो भी सेटिंगें हमने इससे पहले की हैं उनको शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर दिया गया है। अपनी परेशानी के अनुसार वो सेटिंग को आप एसपीटी विजार्ड में जाकर हल कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार की दिक्कत हो उस प्रकार के ऑप्शन को सेलेक्ट करें और उस प्रकार की दिक्कत को आप वहाँ से दूर कर सकते हैं।